जाती भई पर हंता जो विद्यादि सागर सुती जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो मुने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बड़ी भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंदकुंद स्वामी के आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सच्ची श्रद्धा आत्मज्ञान और सदाचरण का जीवन भर पालन करें तो हमारा जीवन जो हम जीते हैं अच्छे ढंग से जी सकते हैं। यदि हमें आगामी भाव में भी अपने जीवन को ऊंचा उठाकर परलोक में पहुंचकर सुख प्राप्त करना है, अपने कल्याण के लिए उपाय करना है, तो जरूरी है कि जैसे अपन ने जीवन भर सदाचरण श्रद्धा और आत्मज्ञान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है, ऐसे ही जीवन के अंत में भी हम अपार श्रद्धा और आत्मज्ञान पूर्वक सदाचरण करते रहें और समता भाव रख करके अपनी छूटती हुई देह को छोड़ दें। हमारी देह के प्रति आसक्ति निरंतर कम होती जाए और प्रशम भाव कषायों का उपशमन हम करते जाए तो हमारा मरण भी समता पूर्वक हो सकता। शरीर तो एक नाव की तरह है, जैसे नाविक अपने यात्रियों को लेकर के नाव में इस पार से उस पार जाता है, वो आसानी से कब जा पाता है जब उसकी नाव में कोई छेद ना हो, ठीक ठीक वो उस पार पहुंच सकता है। ऐसे ही शरीर भी एक नाव है जिसमें बैठ करके आत्मा इस पार से उस पार यात्रा करती है। यदि शरीर में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसे नाव में छेद हो जाए तो पानी भरने लगता है और नाव के डूबने का भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही शरीर में इस प्रकार की कोई बाधा हो जाए जो कि धर्म ध्यान में मुश्किल उत्पन्न कर दे तो इसकी सावधानी निरंतर व्यक्ति रखता है और साथ ही नाव को ही सजाते रहें तो उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, किनारे पर ही खड़े रह जाएंगे। ऐसे ही अगर शरीर नाव है तो उसे भी हम इतना आराम तलवी में ना रखें कि हम अपनी यात्रा ठीक ढंग से ना कर सकें। दोनों ही चीजों के बीच में हमारा जीवन अत्यंत संतुलित होकर के हम जिए, भावना रखें निरंतर गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत बारवि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम। मुझे मरण से भय नहीं है, बस अगर मरण के समय मेरी सांसें अपने गुरु के चरणों में व्यतीत हो, अगर गुरु का सानिध्य नहीं मिला तो मेरे प्राण निकलते समय मेरे आसपास
मुनि जनों का समूह विद्यमान हो। अगर मुनि जनों का समूह भी विद्यमान नहीं हो, ना मिल पाए मेरे सौभाग्य में वैसा ना हो, तो चैत सिद्धांत वार्दी सद्घोषे, तो मेरे मरण के समय मुझे धर्म सुनाने के लिए लोग उत्सुक हो, धर्म सुनने की मेरी लालसा मरण के समय बनी रहे, बड़ा कठिन है। आचार्य महाराज तो कहते हैं कि शुद्ध केवली महाराज भी हो, जिन्हें की समस्त शुद्ध का ज्ञान है, अगर पुण्य का उदय होगा तो ही जीवन के अंत में ज्ञानवान को भी नमोकार की सुध आएगी, वरना तो पानी और रोटी ही दिखाई पड़ेगी। जब ज्ञानी व्यक्ति को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो वो कहता कि अरे ये तो बाद में सुनाना, पहले तो हमारे लिए पानी पिलाओ। और नमोकार मंत्र ये तो हम ही ने तुम्हें सुनाओ, तो हमने सिखाओ, तो हमें बता रहे तुम, ऐसा भाव आ जाएगा अगर पाप का उदय आ जाए तो। मैं भावना भावू कि ऐसा कर्म का उदय ना आ जाए कि मेरा धर्म सुनने में भी रुचि ना हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है आंखों से, जीवन भर दो दो प्रतिमा, पांच पांच प्रतिमा, सात सात प्रतिमा का पालन किया, लेकिन आखिरी समय ऐसा कर्म का उदय आया कि रात्रि में मुझे भोजन दो इस तरह तक का भाव उत्पन्न हो गया। कहां के व्रत, मैं नहीं हूं, कोई व्रत नहीं पालन करता हूं, ऐसा तीव्र कर्म का उदय आ गया, चारित्र मोहनी का लिए हुए व्रतों के प्रति अनादर का भाव आ गया, उनको तोड़ने का विचार आ गया। बहुत पुण्य चाहिए एक तो व्रत लेने के लिए और जीवन पर्यंत उन व्रतों को निभाने के लिए, और अंत समय में उन व्रतों के अनुसार जीवन अपना बना सके, पालन कर सके, भाव रख सके, यह तो और पुण्य का काम है। और अगर कोई मुझे अकेले धर्म की चर्चा सुनाने वाला ना विद्यमान हो, तो कम से कम मेरे मरण के समय मंदिर में होने वाले पूजा के मंगल गान की ध्वनि मेरे कानों में सुनाई पड़ती रहे। ये चार बातें अगर मेरे पुण्य से मरण के समय मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे मरने में कोई भय नहीं है। मरने से तो भयभीत होने से कुछ नहीं होगा, मरने से तो वो भयभीत हो जो मरण के समय अपने परिणाम खोटे कर लेते हैं। मैं तो इन चारों माध्यमों से अपने परिणाम संभाल करके अपने मरण को भी सार्थक बनाने की भावना रखता, ऐसा जीवन भर भावना जिसकी है वही आखिरी समय पर संलेखना धारण करके समाधि मरण कर सकता। संलेखना पूर्वक जो मरण होता है उसे ही समाधि मरण कहते हैं। संलेखना तो एक प्रक्रिया है और समाधि जिसमें आदि व्याधि और उपाधि सब शांत हो गई, ऐसे परिणाम पूर्वक मरण किया सो उसे समाधि मरण कहते हैं। शरीर के रोगों को व्याधि कहते और मन में जो रोग हैं, मानसिक रुग्णता, उसको आदि कहते, और संसार में मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा माने, बड़ी प्रतिष्ठा मेरी हो, इस तरह का जो भाव है वो उपाधि है। सो ऐसी आदि व्याधि उपाधि तीनों जिसके भीतर शांत हो गई है, कोई आकांक्षा नहीं है, वो व्यक्ति समाधि को धारण करके अंत समय में मरण को प्राप्त कर सकता है, उसका ही मरण सार्थक होगा। अपन इस तरह का विचार करके निरंतर भावना भाए कि जीवन के अंत में पढ़ते हैं अपन कि दिन रात स्वामी मेरी भावना है कि आखिरी समय में मेरे कोई व्याधि ना हो जाए जिससे कि धर्म में बाधा आ जाए, मेरे परिणामों में ऐसी विकृति ना आ जाए कि लिए हुए
व्रत नियम संयम के प्रति मेरे मन में अनादर का भाव हो जाए, मुझे संसार की प्रतिष्ठा चाहिए, इस तरह का भाव भी मेरे भीतर उत्पन्न ना हो, मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। और ऐसी भावना भाते हुए संलेपना धारण करने वाला जीव क्या करता है? आचार्य भगवंत कहते कि धीरे धीरे अपनी कषाय मंद करता चला जाता है, प्रशम भाव धारण कर लेता और शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्रम क्रम से शरीर को दिए जाने वाले आहार को भी कम करता जाता, उसके प्रति आसक्ति भी घटाता जाता, क्योंकि शरीर को जो अपन वेतन देते हैं, आचार्य महाराज कहते कि काम करने वाले कोई वेतन मिलता है, सो शरीर जब तक धर्म ध्यान करे सो वेतन, नहीं तो काय को वेतन है? इस तन को भी मैं तभी तक वेतन दूंगा जब तक ये मेरे धर्म ध्यान में सहयोगी बनेगा, नहीं तो इसका वेतन कट। सो ऐसा विचार करके जीवन के अंत में वर्णी जी ने जैसे संलेखना ली थी, किसी को बताया नहीं, पता तक नहीं लगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी का तीसरी में 7-8 दिन हो गए जो उनके भोजन में व्यक्ति रहता था रोज, उसको लगा कि धीरे धीरे वर्णी जी के भोजन में कमी आती जा रही, कोई रोग तो नहीं है वर्णी जी को, बताते तो है नहीं। तो उसने पूछा तो वर्णी जी ने कहा कि नहीं, कोई रोग इत्यादि नहीं है। निश्चिंत हो गया। फिर भी उसके मन में आओ कि थोड़े और लोगों को भी जानकारी दे देवे कि वर्णी जी ने भोजन कम कर दो। सो पंडित जी वगैरह सब आए, उन्होंने पूछा कि वर्णी जी क्या बात है, तो कुछ नहीं कहा वर्णी जी ने। ज्यादा पूछने लगे तो करवट बदल करके मुंह उस तरफ कर लिया, जब वहां जाकर के मुंह की तरफ बैठ करके पूछा तो करवट बदल के दूसरी तरफ मुंह कर लिया। बताया नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं क्या कर रहा हूं। सो फिर उनको समय सार जी बड़ा प्रिय था, हमेशा उसका स्वाध्याय करते थे और अपने पास रखते थे, उनको कंठस्थ थी अमृतेंद्र स्वामी की टीका, जिसकी संस्कृत से हिंदी करना अपने लिए कठिन, अपन से तो नहीं बनती भैया, इतनी कठिन है। और वो उनको कंठस्थ याद थी, उसका ही चिंतन करते रहते थे। सो उस समय सार में कवर लगा हुआ था, उस कवर को निकालने पर उसमें एक कागज का पर्चा मिला जिसमें लिखा था कि इस शरीर ने जब तक मेरा साथ दिया सो मैंने भी दिया, और अब मेरा साथ नहीं देता सो मैं भी इसका वेतन कम कर रहा हूं, क्रम क्रम से मैं आहार को घटा करके संलेखना धारण करता हूं। आज 9वां दिन है, मैंने तो 1 कटोरी दाल और 1 चपाती ही ली है और सब चीजों का त्याग, ऐसा उस कागज पर लिखा हुआ रखा था। तब लोगों को मालूम पड़ा कि वर्णी जी ने संलेखना ले ली। धीरे धीरे आसक्ति भोजन के प्रति घटती चली जावे, और संलेखना लेकर के उन्होंने अपना कल्याण किया। ऐसे ही अपने मन में विचार आवे, नहीं तो आखिरी समय पर जा चीज खाने बा चीज खाने, लड़का नहीं बना दे बहु नहीं बना दे, उनसे शिकायत कर रहे हम आए थे तो बजाने कैसी बहु आई है, हमें कछु अच्छे से बनाई के नहीं दे, हम जिंदगी निकल गई हमारी, अब बताओ। आखिरी समय इस तरह की आकुलताएं बहुत होंगी, लेकिन मैं अपना धर्म ध्यान करूं और भोजन के प्रति आसक्ति को कम करूं, यह विचार बड़ी साधना और अभ्यास का है, वरना आसक्ति और अधिक घेरती है। रिग्रेशन कहलाता साइकोलॉजी में, कि जिन इच्छाओं को जीवन भर हम पूरा नहीं कर पाते, मरण के समय भी सब इच्छाएं पूरे करने का मन हो जाता, लौट करके आता है कहते कि बचपन, वैसी ही जिद वैसी ही इच्छाएं जैसी बचपन में थी वृद्धों के अंदर भी उत्पन्न हो सकती हैं, हो जाती। सो हम इस बात की सावधानी रखें
कि अब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखेंगे तो ही हम इस संलेखना को ठीक ढंग से अपने जीवन में अंगीकार कर सकेंगे। तो क्रम क्रम से आहार त्याग करने की प्रक्रिया भी संलेखना के अंतर्गत रखी गई। तीन तरह से संलेखना ली जाती। आहार का त्याग तो सब में क्रम क्रम से किया जाता है, लेकिन प्रायोपगमन, इंगनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ऐसे तीन भेद संलेखना के कर दिए। उसकी प्रक्रिया अलग अलग है। प्रायोपगमन में तो जो मुनि महाराज संलेखना धारण करते प्रायोपगमन की विधि से, उनको उठा करके कोई कहीं भी पटक देवे तो वैसे ही पड़े रहेंगे जिस अवस्था में उनको गिराया गया है, या जिस अवस्था में वे स्वयं लेटे हुए हैं उसी करवट से जब तक प्राण अंत नहीं होगा तब तक उसी तरह से लेटे रहेंगे। ना दूसरे की मदद से करवट बदलेंगे, ना स्वयं करवट बदलने का भाव लाएंगे, इतनी कठोर। और इंगनी मरण में तो दूसरे से बैया वृत्ति नहीं करवाएंगे, स्वयं अपना सिर दर्द हो रहा तो दबा लेंगे, स्वयं करवट बदलने का भाव है तो अपने आप ले ली, दूसरे का हाथ नहीं लगवाएंगे कि हमें करवट बदलवा दो। इतना बल इंगनी मरण, जैसे आचार्य शांति सागर जी चारक चक्रवर्ती ने वैसी ही साधना करी थी इंगनी मरण पूर्वक संलेखना लेने की। और भक्त प्रत्याख्यान तो सब जीवों के लिए है के दूसरे से भी बैयावृत्ति सेवा करवा सकते हैं, अपने शरीर की स्वयं भी सेवा कर सकते हैं। सो जिससे जैसी शक्ति है उस रूप में संलेखना को ग्रहण करके क्रम क्रम से अपनी आसक्ति कम करने के लिए भोजन का त्याग करता जाता है। पहले स्थूल चीजों का त्याग करके और जो लिक्विड डाइट है उसको स्वीकार करता है, फिर लिक्विड में भी रसों का परित्याग कर देता है और निवृत्ति छाछ इत्यादि लेकर के जीवन के अंत में सिर्फ गर्म पानी लेता है, और गर्म पानी भी छोड़ करके किसकी शरण है, पंच परमेष्ठी। और जीवन के अंत में अपने प्राण शांति पूर्वक छोड़ देता है। बड़ी साधना की बात है, अभ्यास की बात है। हमने तो बहुत लोगों की समाधि देखी आचार्य महाराज की कृपा से, उनके संग में जिन्होंने भी समाधि ग्रहण करने का भाव किया, सो वो सब की सेवा करने का और देखने का अवसर मिला। सबसे पहले ईसरी में 1983 में इसी मई महीने में चुल्लक सिद्धांत सागर जी, जो कि जिनेंद्र वर्णी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी संलेखना हुई। चुल्लक दीक्षा भी आचार्य श्री से उन्होंने ग्रहण करी और उसके बाद संलेखना ली। संलेखना में आपको क्या बताऊं, संलेखना के समय अत्यंत प्रेम पूर्वक क्षपक कहलाता उसको समझाने का भाव करना चाहिए, विचार रखना चाहिए। सो आचार्य महाराज ने मुझसे कहा कि प्रेम से अच्छे शब्दों में उनको समय सार जी सुना। सो वर्णी जी को मैंने, जिनेंद्र वर्णी जी को समय सार की शुरू की 14 जीव अधिकार की गाथाएं सुनाई और फिर कहा कि पूछ तो ले, थोड़ा मन में आया कि और सुनाए वर्णी जी। तो वर्णी जी से कहा कि वर्णी जी और सुनाए, केले गाथा तो एक ही पर्याप्त है। अरे इतनी सजगता है। तब फिर आचार्य श्री को जाकर के कहा कि वर्णी जी तो कह रहे थे कि गाथा एक ही पर्याप्त है, कि सौ समय कौन है जो पुद्गल कर्मों में रंजायमान है और जो रत्नत्रय में लीन है वो सौ समय है, एक ही गाथा पर्याप्त है। जीवो चरित दंशन नानठ्यू तम ही ससमयम जान, पूगल कम पदे सठियम चत्तम जान पर समयम। एक ही गाथा वो निरंतर चिंतन करते रहते थे। सो आचार्य महाराज ने उनकी सजगता देख करके रोज थोड़ा सा समय तत्व चर्चा के लिए उन्हें रखा। आखिरी समय में जिस दिन उनके प्राणांत होना थे, हम लोग ईसरी में मंदिर के नीचे तलघर में गर्मी होने की वजह से शीतलता के कारण उनको वहां लिटा के रखते थे।
सो आहार के बाद ले जा रहे थे, अचानक ही तलघर के ऊपर पहुंच करके उन्होंने पूछा कि आचार्य महाराज आहार से आ गए, पर्याप्त है, परिचारक सेवा करने वाले को इतना इंडिकेशन पर्याप्त है। फौरन हम में से कुछ साधुजन आचार्य महाराज को लेने चले गए और हम लोग उनको धीरे धीरे सीढ़ियां उतार करके नीचे तलघर में ले जाने लगे वर्णी जी को। सो सारी सीढ़ियां उतरने के बाद, अंतिम सीढ़ी उतरने के बाद वर्णी जी बोले कि आचार्य महाराज आ गए क्या? और ऐसा संयोग देखिए कि ऊपर की सीढ़ियों पर आचार्य महाराज आकर के खड़े हुए थे। सो हम लोगों ने भी कहा कि हाँ महाराज तो आ गए, तो आंख से नीचे से ऊपर की तरफ देखा, आचार्य महाराज के दर्शन किए और कहा कि नमोस्तु, और बस समाप्त, प्राण अंत हो गए। फिर तो रखना शेष रहा कि जमीन पर हम लिटा दें, उनको रख दें। इतनी सजगता पूर्वक भी कोई अपने प्राण छोड़ सकता है? छूट तो रहे ही हैं प्राण, अपन तो छूटते प्राणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आसक्ति अपन की घिर जाती है। लेकिन उस समय अत्यंत निष्प्रय होकर के और सजगता पूर्वक अपने धर्म को अपन बचावे, ये भाव अगर है तो संलेखना आसानी से ली जा सकती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें संलेखना में आती हैं, अगर हम थोड़ी भी सावधानी नहीं रखें तो संलेखना के समय आकुलता हो ही सकती है, बड़ी परीक्षा का क्षण है। एक वैराग्य सागर जी थे, 1985 में आहार जी के चतुर्मास में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके संलेखना के लिए तैयारी शुरू करी थी। हम लोग सेवा में रहते थे उनकी, आखिरी समय जब संलेखना धारण कर ली, सो एक दिन अत्यंत अस्वस्थता के कारण जब आहार लेने के लिए खड़े हुए तो पानी मुंह में नहीं जा पाया, नीचे गिरता जाता हर चीज, एक तो वृद्धावस्था और फिर संलेखना का समय, शरीर अशक्त हो गया, आत्मा अशक्त हो गई, ऐसा नहीं है, आत्मा तो अनंत बल वाली है, शरीर अशक्त होता है। अगर शरीर के साथ हमारा आत्मा का भी संबंध जोड़ देंगे तो शरीर की अशक्तता में हमें अपनी आत्मा की भी अशक्तता मालूम पड़ने लगे। वो सजग थे, देखा हम लोगों ने कि आचार्य महाराज भी खड़े थे उनके आहार के समय, तो फौरन आचार्य महाराज ने कहा कि महाराज जी अगर अंजलि से आहार नहीं लिया जा सक रहा है तो कोई बात नहीं, गिलास से पानी पी लो, लाओ सब लोग महाराज को गिलास दे दो। हम लोग समझ गए कि परीक्षा ले रहे हैं महाराज। सो शावकों ने गिलास का इंतजाम तो नहीं कर पाया, उसके पहले ही महाराज को पकड़ करके सहारा दिए हुए जो दो साधु जन थे उनको इशारा किया महाराज ने कि नहीं हम तो बैठेंगे। सो बैठ गए और अंजलि छोड़ दी। आचार्य महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि महाराज मैं संलेखना ले रहा हूं, इस देह ने जब ग्रहण करना छोड़ दिया तो मैं ग्रहण करने का मिथ्या भाव काय को रखूं और विभिन्न तरीकों से ग्रहण करने के लिए आकुलता क्यों करूं? सो तीन दिन तक उन्होंने अन्न जल का समस्त त्याग करके और देह का विसर्जन किया समता पूर्वक। यह भी देखने में आया, एक दसवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी थे राजा राम जी, सो उन्होंने संलेखना ग्रहण की, लेकिन आखिरी समय उनके अंदर सेव फल होता, सो उसको छोड़ दिया था, पर थोड़ी सी आसक्ति उसको खाने का भाव उनके भीतर आ गया। जो सेवा में थे हम लोग तो समझ लिया कि महाराज ने भले ही छुड़वा दिया है पर अभी भीतर से छूटा नहीं है, खाने की इच्छा है।
तो आचार्य श्री को जाकर के कह दिया कि सरलीफ ना ली ब्रह्मचारी जी ने, पर अभी उनके भीतर सेव फल खाने की आकांक्षा शेष है। कहते ठीक है, तो है तो दे दो। सो दूसरे दिन थाली में सेव फल देख करके ब्रह्मचारी जी चौंक गए। तो हम लोगों ने इशारा किया कि नहीं, आपने भले ही सेव फल का त्याग किया है, लेकिन हमने आचार्य श्री से पूछ लिया है, आप ले सकते हैं। एक पीस सेव फल का हाथ में दिया, आधा मुंह में जा पाया, आधा नीचे ही गिर गया। शरीर तो अत्यंत अशक्त था। सो उसके बाद आहार के बाद आकर के आचार्य श्री के पास उन्होंने कहा कि महाराज, एक तो मेरी गलती के मैंने त्यागी हुई चीज के प्रति आसक्ति करी, और धिक्कार है मुझे कि मैं ग्रहण करने का भाव, जबकि मेरा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है, फिर भी मेरे अंदर ग्रहण करने का भाव आ गया। अब मैं जब तक सांसें हैं समस्त आहार का वास्तव में अंतरंग से त्याग करता हूं, ऊपर ऊपर नहीं। सो उन्होंने भी समस्त पदार्थों का त्याग करके और सरलेखना पूर्वक अपने देह का त्याग किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं भैया, अपन को भी इन सब उदाहरणों को सुन करके अपने मन को तैयार करना चाहिए कि मरना तो है ही, सबको मरना पड़ता। सो चाहे रो रो के मरे और चाहे समता भाव से अपने प्राण छोड़े। होशियारी तो इसी में है कि हम समता भाव पूर्वक अपने प्राण छोड़े। हाथी ने भी सरलेखना ग्रहण की थी, आप आश्चर्य करेंगे, उत्कृष्ट सरलेखना 12 वर्ष की होती और जगन अंतर मुहूर्त की। सो जगन ने सरलेखना अंतर मुहूर्त में ली थी, कल हमने उदाहरण सुनाया था। और 12 वर्ष की सरलेखना एक माता जी थी, अभी साल दो साल पहले ही उनकी सरलेखना हुई और 12 वर्ष के लिए सरलेखना ली थी। इसके पहले सुना है आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी महाराज थे, जिन्होंने भी 12 वर्ष की उत्कृष्ट सरलेखना धारण की थी। सो क्रम क्रम से जो 12 वर्ष की सरलेखना धारण करता है, वो 12 वर्षों में पहले शुरू के 4 वर्षों में अत्यंत काय क्लेश अपने शरीर को, उससे आसक्ति को घटाने के लिए, शरीर को सहिष्णु बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के काय क्लेश रूपी तप करता है। फिर अगले 4 वर्षों में रस परित्याग विभिन्न प्रकार से करके साधना करता है। 2 वर्ष उसके बाद निर्वृत्ति छाच इत्यादि ग्रहण करके व्यतीत करता है और आखिरी के 6-6 महीने में उत्कृष्ट और मध्यम तप करके अपने 12 वर्ष का कार्य पूरा करता है। सो उनके बारे में मैं जैसा सुना वैसा कहता हूं कि उन्होंने 10 बजे दिन के सबसे पूछा कि सब पूरा संग आहार करके आ गया। 12 वर्ष उसी दिन पूरे हुए थे उनको, और 10 बजे पूछ रहे हैं कि सारा संग आ गया, तो सबने कहा कि आ गए, सारा संग आ गया, मुझे सामने वृक्ष के नीचे बिठा दो। सो सबने जाकर के सरलेखना तो ले रखी, उन्होंने बिठा दिया, बढ़िया थे सब, सोच भी नहीं सकता था कोई। और 10 बजे वहां पर बैठे बोले, अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं, मेरा समय पूरा हो गया, मेरे प्राण 10:10 पे निकल जाएंगे, कोई मोह नहीं करना, मैं ध्यान में बैठता हूं पंच परमेश्वरी के। सो 10 मिनट तक पंच परमेश्वरी का ध्यान किया, 10:10 पर उनका प्राणांत हो गया। पहले से उनकी विशुद्धि से ये बात उनको ज्ञात हो गई। वो तो पुरानी घटना है, अभी सिद्ध सागर जी महाराज थे आचार्य श्री के सानिध्य में, नेमावर में उन्होंने सरलेखना धारण करी। बड़े कठोर थे, लेकिन कोई भी आखिरी समय तक भी नमोस्तु करता था तो आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जाता था। 48 मुनि महाराज उनको मिले, वैसे लिखा कि एक सरलेखना के लिए 48 मुनि महाराज सेवा में उपस्थित रहते हैं।
सोचो आप, सामान्य चीज नहीं है संलेखना। और उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि आचार्य श्री के संग में 48 मुनि महाराज उनकी सेवा में लगे हुए थे। सो आपस में मुनि महाराज जी चर्चा करने लगे कि अब तो ज्यादा ले रहे हैं महाराज। तो एकदम बोले, कल जेठ का समय था, कल ले हमें नहीं मारे साल तक, अब बता। सब जने घबरा गए, कह नहीं अपन ने बेकार में कहा कि कम समय। तो ऐसा हो गया, जब आषाढ़ शुरू हो गया तो ऐसी हालत लगती थी कि अब एक आध दिन के हैं। तो फिर मुंह से महाराजों के निकल गया कि एक आध ही दो दिन के हैं। तो क्या बोले, बोलते 5 तक नहीं मरूंगा अभी, अब बता। इतना ध्यान, इतनी सजगता। और पंचमी के दिन आषाढ़ की और उनका प्राणांत हुआ। अपने धर्म का पालन करते हुए जरा भी शिथिलता उन्होंने नहीं की। ऐसे बहुत से उदाहरण, उत्कृष्ट सरलेखना जो 12 वर्ष का काल है उसकी धारण करने वाले जीवों के भी हैं। मैं आपसे कह रहा था कि हाथी ने भी सरलेखना ग्रहण की थी। पंचम गुण स्थान तो उसे भी प्राप्त हो सकता, देश व्रत तो वह भी धारण कर सकता है, सरलेखना भी ले सकता। एक किसी फॉरेनर ने जो कि शिकारी था, हाथी की सरलेखना पर एक आर्टिकल लिखा बहुत पहले, वो पढ़ा था। वो जंगल में गया तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे हाथी चुपचाप खड़ा हुआ है। ऐसे खड़े नहीं रहते हाथी चुपचाप, शिकारी को आता देख करके भागेंगे या आक्रमण करेंगे। वो तो चुपचाप खड़ा हुआ था, सोचा कि शायद कोई अशक्त हो गया होगा, पास जाके देखना चाहिए। सो हाथी को गन्ना अच्छे लगते तो गन्ना का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, कुछ नहीं कहा उसने। और थोड़े पास गए, पास जाके बढ़ाया, तब भी कुछ नहीं, फेंक दिया, उसने नहीं खाया। और पास में जाकर के उसकी सूंड में गन्ना दिया, तब उसने ग्रहण कर लिया और देते चले गए। सो 3 गन्ने तो उसने स्वीकार किए, चौथा वाला उसने फिर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और रोज वो इस तरह उसे गन्ने खिलाते, सो धीरे धीरे उसने 3 गन्ने से कम करके एक दिन तो गन्ना ग्रहण ही करने से इनकार कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उस शिकारी को कि और क्या सेवा करूं इसकी, कल देखूंगा, शायद कुछ अस्वस्थता होगी इसलिए नहीं खाया होगा, कल लेके आऊंगा, कल खिलाऊंगा और गन्ने। सो चला गया वो। दूसरे दिन आया तो उस स्थान पर हाथी था ही नहीं। अब शिकारी के मन में आया कि कहां चला गया, स्वस्थ हो गया इसलिए भाग गया। लेकिन हाथी के पैर बने हुए थे, उनको देख करके उसे खोज लिया। आगे थोड़े 50-100 कदम पर एक पानी जहां भरा हुआ था गड्ढे में, उस गड्ढे में वह खड़ा हुआ था। उस गड्ढे में खड़े हाथी को देख करके उसने फिर गन्ना खिलाने का भाव किया, लेकिन उसने गन्ना खाने से इनकार कर दिया। घंटे भर वो प्रयास करता रहा, वहीं बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे अकेले पैर डूबे थे उस पानी में हाथी के, हाथी ने बैठना शुरू किया और पूरा जल के भीतर ही बैठ गया। तब समझ में आया कि जल में उसने समाधि ग्रहण कर दी है और समाधि पूर्वक मरण करके उसने अपनी देह का विसर्जन किया। ऐसी घटना भी पढ़ करके और आश्चर्य लगता है कि हम सब इस चीज के लिए चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि भाई हम भी अपने जो व्रत नियम जीवन भर पालन किए उत्साह पूर्वक, उनके प्रति आखिरी समय में भी उत्साह बना रहे और मैं धर्म की रक्षा के लिए और आखिरी समय तक प्रयत्नशील रहूं, धर्म का ध्यान बना रहे। शरीर छूटता है तो छूट जावे, ऐसी भावना अपन रखें और निरंतर समाधि मरण पाने के लिए प्रयास करते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, जग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
के निष्कंटक पथ में विषकंटक हो।